सूफी अदब के तमाम नाजरीन को आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। जहां एहसास की कदर ना हो वहां अल्फाज भी काम नहीं आया करते। बाज़ दफ़ा अच्छे तरीके से अलैदा हो जाना तकलीफ़ दा ताल्लुक बरकरार रखने से बेहतर होता है। ज़िंदगी ने दो चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा अपने खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो, जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। उसे देखो जो तुम्हें देखता है, उससे मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है, उसकी सुनो जो तुम्हारी सुनता है, अपना हाथ उसके हाथ में दो जो थामने को तैयार हो। दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिया हुआ दुख और दर्द तो भूल जाए मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी ना भूले। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। अपने दिन का आगाज सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। खामोशी अपना लो मगर किसी से शिकवा ना करो। जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। अपने रब पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा मुकर्रा वक्त पर और तुम हैरान हो जाओगे इंशाल्लाह। दूसरों के दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्द मिटा देगा। अपने दिल में इतनी नफरतें मत रखो क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में अल्लाह नहीं बसता। खिशकास के दाने, तुखम, आड़ू, दार चीनी, छोटी इलाची और जाफरान को बारीक पीस कर सफूफ बना लें। इस सफूफ को नीम गर्म दूध में मिलाकर पीने से मर्दाना कमजोरी दूर होती है, आपकी मनी गाढ़ी होगी और जल्दी फारिग होने का मसला भी हल होगा। खुद को अकेला हरगिज मत समझो, तुम जहाँ कहीं भी हो खुदा तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज का ख्याल तब तक नहीं निकालता जब तक तुम्हारे नसीब में उसकी मिलने की गुंजाइश रहती है। नमाज में अपना दिल लगाना सीखो ताकि अल्लाह भी राजी रहे और दिल को भी सुकून रहे। प्यारे दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।